हेलो गाइस, व्हाट्स अप। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, जो कि होने वाला है एक अनाउंसमेंट वीडियो, क्योंकि तुम्हारे भाई का हो चुका है अकाउंट बैन 10 साल के लिए। अच्छा, सच में पबजी वाले इतने मेहरबान हो गए, पकड़ने लग गए हैकर्स को। सही है भाई। अब जिनको नहीं पता कि नोट आर्की कौन है, तो ये वही बंदा है जो केस टू के साथ खेलता था, उसका गेम प्ले बनवाता था। और जब केस टू की आईडी बैन हुई थी, तब भी मैंने बताया था कि भैया ये लोग बहुत उल्टा काम करते हैं। और ये अभी से नहीं, स्टार्टिंग से मैं जब भी वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि ये कैसे उल्टे कांड करते हैं, ESP यूज़ करते हैं। लेकिन तब तो किसी ने माना नहीं, अब केस टू वाले में भी नहीं मान रहे हैं। तो आओ यार, नोट आर्की का वीडियो बताते हैं। अब देखो, कुछ लोग होते हैं दिमाग से पैदल, ठीक है, वो इनकी ऑडियंस होती है। उसको कुछ भी दे दो, कोई भी लेजिट प्रूफ दे दो, उनको समझ में नहीं आता है। पर हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा दिमाग है, बस वो भटक गए इधर उधर। हाँ, ये वीडियो देख के उनका दिमाग आ जाएगा। और हाँ, नॉट आरके की वीडियो से ही देखते हैं, समझते हैं कि भाई उसका अकाउंट क्यों बैन हुआ, उसके वर्ड्स में। ये देखा आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा अभी, जिसमें पबजी ने मुझे एक नोटिस भेजा है कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है यूजर एग्रीमेंट को वायलेट करने के लिए, जो मुझे पता नहीं क्या है। ये भोला सा चेहरा देख रहे हो, इसको पता सब है, पर बताएगा नहीं, जताएगा नहीं, क्योंकि फिर देखो सिंपथी कैसे मिलेगी यार दिमाग से पैदल ऑडियंस की। अब भैया जी, आपको ESP करना, यूज़ करना पता, आपको ये भी पता कि कैसे ESP यूज़ करके पकड़े ना जाए, तो फिर इतना तो ज्ञान होता ही है कि यूज़र एग्रीमेंट क्या होता है। नॉर्मल सी अंग्रेजी है यार, इतना भी नहीं समझ पाते तुम। मेरा मेन ग्लोबल अकाउंट, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात के लिए हो रही है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस यूज़ किया है VPN लॉगिन करने के लिए। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी लापरवाही है कि काफ़ी बार मैंने बिना VPN के ओपन किया है पबजी, और हमेशा मुझे ये नोटिस मिला है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन हमेशा मैं इग्नोर करता रहा। और बस शायद इस वजह से, लोकेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होने की वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट बैन किया हो। तो 99.9% मुझे ये लगता है कि मेरा अकाउंट VPN के वजह से बैन हुआ है। अरे यार, जब झूठी बोलना है तो पूरा बोलो ना, 99.9% क्या होता है, 100% ही बोल दो। सच तो तुमको बताना नहीं होता, ऑडियंस को चुतिया बनाना होता है बस ये। और इसका कमेंट सेक्शन भी देखो मैंने, भाई ऑडियंस इतनी फुद्दू है ना बहन, जो समझ नहीं आता, उनके दिमाग घुटनों में है या घुटनों से नीचे खिसक गया है। भैया जी, अगर VPN से अकाउंट बैन होता ना, तो सारे यूट्यूबर अभी तक बैठे होते बिना अकाउंट के। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि जो एंड्रॉयड डिवाइस या फिर iOS डिवाइस में अभी पबजी खेलने के लिए VPN यूज़ करना पड़ता है। हालांकि एंड्रॉयड के अंदर तो ऐसे बहुत सारे हैं वर्जन्स जिनके अंदर बिना VPN के भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन iOS के अंदर आप अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। तो iOS के अंदर अगर आपको पबजी चलाना है, तो आपको VPN का यूज़ करना ही पड़ेगा। जितने भी यूट्यूबर स्ट्रीम करते हैं आज के टाइम पे मोबाइल पे, iOS पे, वो सब VPN यूज़ करते हैं। आप शुरुआत से नाम ले लो, मैं डायनमो का नाम बता देता हूँ, हाइड्रा रैथ है, स्काउट, नहीं उसका नाम नहीं लूँगा, स्ट्रीम नहीं करता यार लोंडा, एकदम ऐसे खिलाफ है चीज़ों के, देश में बैन गेम को सपोर्ट ही नहीं करता बंदा है। उसके अलावा बहुत सारे जितने भी आप YouTube पे स्ट्रीमर्स देखते हो जो मोबाइल से स्ट्रीम करते हैं, वो सब VPN का यूज़ करते हैं। आप जाके देख लो, फिर भी मेरे को समझ नहीं आता ऑडियंस कितनी फुद्दू है। पर अभी भैया जी ने 99.99 बोला है, पूरा 100 नहीं बोला है, तो आओ 0.1% नहीं 0.01% देखते हैं क्या है। लेकिन 0.01% ये चांस भी हो सकता है, क्योंकि कल मैंने एक गेम प्ले रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने एक अकेले बंदे के साथ टीम अप किया था, मतलब उसको प्रेसिडेंट बनाया था अपने गेम का, ताकि मुझे कंटेंट मिल सके। और मैंने हाँ उसको बताया था कि गन मत चलाना ये वो, और उसने गन भी छोड़ दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं पबजी मुझे इस वजह से बैन कर सकता है नहीं। श्योर हो क्या भैया जी? क्या पता है आपको, वो भी बता दो। 99.99 का भी आपको नहीं पता, 0.01 का भी नहीं पता, पता सब है पर बताना कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ यार, अगर आप टीम अप करते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको बैन लगता है 1 दिन से लेके 10 दिन के बीच का, टेम्परेरी बैन, परमानेंट बैन टीम अप के लिए कभी नहीं मिलता। पर भाई साहब दिमाग से पैदल हैं, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। तो नोट आर के भैया, आपको बताना चाहूँगा, झूठ ऐसा बोलो जो छिप जाए, और वैसे झूठ छिपता नहीं है, पर तुम यार दिमाग से पैदल खिसके हुए प्राणी हो। चलो और सुनते हैं यार, अभी तो और बहाने बनाए भाई साहब ने, यहीं थोड़ी रुके हैं, और बहाने सुनो। और जब मैंने फाइल क्लेम पे क्लिक किया ना, तब फिर से वो लोग वही बता रहे कि मेरा अकाउंट बैन होने का रीजंस क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रीजन बताया हो कि क्यों हुआ है। और ये सबसे ज्यादा खराब लगता है यार, सच बता रहा हूँ गाइस। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी हैक करके खेला हो, और आईपैड पे तो यार हैक करना ही मुश्किल है, अगर किया भी तो आपको साफ साफ दिख जाता गेम प्ले में।
खैर जो भी हो गाइस, मुझे बस अनाउंस करना था कि मेरा अकाउंट बैन हो चुका है। नहीं, तुम क्या चाहते हो भैया जी कि आपके कान के पास आके बता के जाएं कि आपने कौन सा हैक यूज़ किया, जब ऊपर लिख रखा है कि आप 5 तरीके से जो चीज़ें हो सकती है चीटिंग टूल्स वो आपने यूज़ किए हैं। आप पढ़ सकते हो, पहला लिख रखा है कि कोई भी चीटिंग टूल आपने यूज़ किया गेम के अंदर, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी। दूसरा है किसी भी टाइप का प्लगइन या ऑक्सिलरी प्रोग्राम, समझ रहे हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप गेम में ठूंसने की कोशिश करते हो ना, ये जो वॉइस वगैरह भी आप यूज़ करते हो ना, इनकी वजह से भी आप बैन हो सकते हो, तो उनसे दूरी बनाए रखें कृपया। तीसरा देखिए, एन इलीगल चेंजेस ऑफ द क्लाइंट फाइल डेटा, अगर आपने अपनी फाइल के जो डेटा फाइल होती है आपकी उसके साथ छेड़छाड़ किया तो भी आप बैन हो सकते हो, तो उसके साथ भी छेड़छाड़ ना करें। ये अपने 90 FPS डिवाइस में ज़बरदस्ती 90 FPS चलाने की कोशिश करते हो ना, आपको PUBG अलाउ नहीं करता फिर भी, तो ये वाला एक है आपको बैन कर सकता है। चौथा पॉइंट, अगर आपने टीम अप किया तो वो भी टाइम आता है चीटिंग के अंडर, और उसके अंदर एक पॉइंट और लिखा है, अगर आपने मल्टीपल टाइम वो प्रोसेस की तब आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो सकता है। पांचवा, यूजिंग ए नॉन ऑफिशियल क्रैक्ड गेम वर्जन, ये तो लिखने से समझ में आ रहा होगा कि भाई जो ऑफिशियल वर्जन ना हो उसके अलावा आप क्रैक वगैरह, समझ रहे हो, क्रैक जो लोग PC गेम्स खेलते हैं उनको समझ में आ गया होगा क्रैक किस चीज़ को बोलते हैं, जिनको नहीं आया उनको अभी नहीं समझाऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। और इसके जस्ट नीचे वाला मैसेज पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है कि आपने कुछ उल्टे सीधे चुतिया आप किए इसीलिए आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है, और यहाँ पे नीचे साफ साफ लिख रखा है कि आपने क्या किया है वो एग्जैक्ट रीजन आपको बता दिया गया है। अब आप ना दिखाओ तो बात अलग है, वैसे इन भाई साहब की वीडियो के अंदर ही है, दिखाता हूँ ज़रा रुको। अब ये वाला मैसेज ध्यान से पढ़ना, जो एंटी चीटिंग सिस्टम है उसने डिटेक्ट किया कि तुमने कुछ फॉरबिडन इन गेम एक्शन यूज़ किया है जिसकी वजह से तुम्हारा गेम बैन हो चुका है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन क्लिक द बैन रिकॉर्ड्स बटन बिलो टू चेक द करंट स्टेटस ऑफ योर अकाउंट एंड द एग्जैक्ट रीजन वाई इट वॉज बैंड बाय द सिस्टम। यहाँ पे साफ साफ बताता है कि आपको क्यों बैन किया गया, किस लिए बैन किया गया, बट दिखाना थोड़े ही है, बस अब बहाना बनाना है कि यार PUBG एग्जैक्ट रीजन नहीं देता है। तो इन सारे पॉइंट्स आप समझ जाओ कि भाई इसने कुछ झोलझाल किया तभी आईडी बैन हुई है, ऐसे बैन नहीं होती है। अब वीडियो इतना लंबा बना दिया इसी की पॉइंट्स को, इसी के सामने गलत प्रूफ कर दिया है, तो मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है। बाकी जो बिना दिमाग से लोग हैं उनका कुछ कर नहीं सकते, हाँ कुछ भटके हुए लोग हैं वो शायद ये वीडियो देख के समझ जाएँ। तो इतना ही था वीडियो में, जय राम जी की।